हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों की परसों से अब तो कल है आपकी अल्टरनेटिव इंग्लिश की एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, द वर्जर यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिव इंग्लिश का, उस चैप्टर के। तो ये कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें और चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो अगर नहीं दिखी है तो उन सभी पर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द न्यू विसार कम फ्रॉम, कि जो न्यू विसार था वो कहाँ से आया था। आंसर, द न्यू विसार केम फ्रॉम द ईस्ट एंड, वो ईस्ट एंड से आया था। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन हर 2-3 साल में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। एट वट एज डिड एल्बर्ट एडवर्ड स्टार्ट वर्किंग, At the age of 12, Albert Edward started working. Question number 3, what was the name of the verger of St. Peter's Church? Albert Edward Foreman was the name of the verger of St. Peter's Church. तो उस verger का नाम जो कि St. Peter's Church में काम करता था, उस verger का नाम था Albert Edward Foreman. Question number 4 है, what did the verger want to buy while walking on the street after losing his job? जब उसकी जॉब यानी कि जो वर्जर की जॉब थी वो उसके हाथों से जब चली गई तब उसको क्या खरीदने का मन हुआ। द वर्जर वॉन्टेड टू बाई ए पैकेट ऑफ गोल्ड फ्लेक्स वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। तो जॉब लूज करने के बाद उसको गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट पीने का एक पैकेट खरीदने का मन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द वर्जर वर्क, जो वर्जर था वो कहाँ पर काम करता था। आंसर, द वर्जर वर्कड इन ए चर्च नेम्ड सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर, तो वो सेंट पीटर नाम के चर्च में काम करता था जो कि नेवल स्क्वायर नाम के जगह पर था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड द वर्जर बिन वर्किंग एट सेंट पीटर्स चर्च, तो जो वर्जर है वो सेंट पीटर्स चर्च में कब से या कितने सालों से काम कर रहा है। तो फॉर द पास्ट 16 ईयर्स द वर्जर हैड बिन वर्किंग एट सेंट पीटर्स चर्च, तो जो वर्जर है वो सेंट पीटर्स चर्च में पिछले 16 सालों से काम करता आ रहा है। हु वेयर इन द वेस्ट्री बिसाइड्स द वर्जर एंड द विसार, तो वर्जर और विसार के अलावा वेस्ट्री में और कौन थे। तो बिसाइड्स द वर्जर एंड द विसार द टू चर्च वर्डन्स वेयर इन द वेस्ट्री, तो 2 चर्च वर्डन्स थे वेस्ट्री में। वेस्ट्री क्या है उसके ऊपर भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को अभी मिलने वाला है। वेयर वॉज सेंट पीटर्स चर्च लोकेटेड, तो सेंट पीटर चर्च कहाँ पर लोकेटेड था। सेंट पीटर्स चर्च वॉज लोकेटेड एट नेवल स्क्वायर, तो जो सेंट पीटर चर्च है वो नेवल स्क्वायर पर लोकेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेशन दैट पर्टिकुलर आफ्टरनून, उस पर्टिकुलर आफ्टरनून जिस आफ्टरनून पे वर्जर को जॉब से निकाला गया था उस आफ्टरनून में क्या ओकेशन था। तो देयर हैड बीन ए क्रिश्चनिंग दैट पर्टिकुलर आफ्टरनून, तो उस आफ्टरनून में एक क्रिश्चनिंग था। क्रिश्चनिंग मतलब एक बच्चे का नामकरण, क्रिश्चियन बच्चे का नामकरण को क्रिश्चनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वेस्ट्री, वेस्ट्री होता क्या है। तो ए वेस्ट्री इज ए रूम इन ए चर्च वेयर सेक्रेड वेसल्स एंड वेस्टमेंट्स आर कैप्ट एंड मीटिंग्स आर हेल्ड, तो वेस्ट्री एक ऐसा रूम होता है चर्च में जिसमें कुछ वेसल्स यानी कि कुछ सामान वहाँ पर रखे होते हैं चर्च के, एंड वेस्टमेंट्स आर कैप्ट एंड मीटिंग्स आर हेल्ड, और वहाँ पर जो चर्च की मीटिंग्स होती है वो भी वहीं पर होती है, उसी को बोलते हैं वेस्ट्री। तो ये सब हमने जो देखे अभी ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द वर्जर ट्रीट हिज ओल्ड गाउन, जो वर्जर है वो अपने पुराने गाउन्स को कैसे रखा करता था या उसके साथ कैसे व्यवहार करता था, उनको फेंक दिया करता था या उनके साथ क्या करता था। तो द वर्जर नेवर थ्रू अवे हिज ओल्ड वर्न आउट गाउन्स, इंस्टीड ही कैप्ट द कंप्लीट सीरीज इन ए बॉटम ड्रायर ऑफ द वार्डरोब इन हिज बेडरूम बाय रैपिंग अप इन ब्राउन पेपर, तो वो कभी भी अपने पुराने गाउन को फेंका नहीं करता था बल्कि वो उन्हें पूरे जो क्योंकि वो 16 साल से काम करता था तो उसके पास कई सारे गाउन्स ऐसे जमा हो गए थे, तो वो पूरा कंप्लीट सीरीज को वो जो अपने वार्डरोब है उसका बॉटम ड्रायर में रख दिया करता था अपने बेडरूम में, और उस सबको वो ब्राउन पेपर से रैप करके अच्छे से एकदम रखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड एल्बर्ट एडवर्ड डिसाइड टू सेट अप ए टोबैको शॉप आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द चर्च, तो जो एल्बर्ट एडवर्ड है उसने क्यों डिसाइड किया एक टोबैको शॉप खोलने के बारे में, अपने चर्च का काम छोड़ने के बाद उसने टोबैको शॉप खोलना क्यों सोचा। आंसर, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द चर्च एल्बर्ट एडवर्ड फेल्ट द नीड टू एंजॉय सिगरेट एंड सो ही लुक्ड अबाउट फॉर ए पैकेट ऑफ गोल्ड फ्लेक्स,
but found not a single shop on the street, and ultimately he decided to set up a tobacco shop and became a tobacconist and news agent. तो जब अल्बर्ट एडवर्ड ने अपना जॉब छोड़ दिया, चर्च में अपने वर्जर का जॉब को छोड़ दिया, तो उसको उसका दिल बहुत भारी हुआ था, तो उसको सिगरेट पीने का मन में आया. इसलिए उसने क्या किया, वो गोल्ड फ्लेक सिगरेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको एक भी गोल्ड फ्लेक सिगरेट की दुकान नहीं मिली उस स्ट्रीट में या उस गली में. एंड अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू सेट अप ए टॉबेको शॉप. तो तभी उसके दिमाग की बत्ती जल गई, उसको दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक टॉबेको शॉप खोला जाए, और इसलिए वो टॉबेकनिस्ट और न्यूज एजेंट बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैड ब्रॉट इन द हैंडसम रिफेक्ट्री टेबल एट द चर्च एंड फ्रॉम वेयर. किसने उस टेबल को, वो सुंदर सी टेबल को किसने लेकर के आया और कहाँ से लेकर के आया. तो जो ओल्ड विसार था, उसने उस हैंडसम रिफेक्ट्री टेबल को वो लेकर के आया था, और वो कई साल पहले उस टेबल को लेकर आया था इटाली से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द वर्जर रिगार्ड हिज ऑफिशियल ड्रेस. अपने ऑफिशियल ड्रेस को वो कैसे कैसे उसके मन में भाव थे अपने ऑफिशियल ड्रेस के लिए वर्जर का. द वर्जर वोर हिज गाउन विद फुल सेटिस्फेक्शन एज ही बिलीव्ड फ्रॉम हिज हर्ट दैट हिज गाउन वॉज द डिग्निफाइड सिंबल ऑफ हिज ऑफिस, एंड विदाउट इट ही ऑलवेज हैड द डिसकॉन्सर्टिंग सेंसेशन ऑफ बींग समवट इनसफिशियंटली क्लैड. तो वो अपनी ड्रेस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और बिना ड्रेस के तो उसको ऐसा लगा करता था कि बिल्कुल अनकम्फर्टेबल सा फील होता था और इनकम्प्लीट सा फील होता था. अपने ड्रेस के बगैर वो बिल्कुल अधूरा सा महसूस करता था, अपने वर्जर का जो गाउन था उस ड्रेस के बगैर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इम्प्रेशन डिड द वर्जर हैव अबाउट द न्यू विसार. जो वर्जर है, उसका मन में न्यू विसार के प्रति कैसा इम्प्रेशन था, वर्जर न्यू विसार के बारे में कैसा सोचता था. आंसर, द वर्जर डिड नॉट हैव ए गुड इम्प्रेशन अबाउट द न्यू विसार एज ही वॉज फसी एंड वॉन्टेड टू हैव हिज फिंगर इन एवरी पाइप. तो जो वर्जर है, वो उस न्यू विसार के बारे में कुछ खास ठीक नहीं सोचता था, क्योंकि जो न्यू विसार था उसको एक बहुत बुरी आदत थी, उस सब के कामों में उंगली करने की आदत थी. द वर्जर कुड नॉट अप्रिशिएट द न्यू विसार फ्रॉम ईस्ट एंड बट फेल्ट दैट ही वुड टेक सम टाइम टू फॉल इन विद द डिस्क्रीट वेज ऑफ द फैशनेबल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सेंट पीटर्स चर्च. तो जो वर्जर है, उसने न्यू विसार को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, जो कि इस स्टैंड से आया हुआ था. हमने एक मार्क के क्वेश्चन में देखा कि ये इस स्टैंड से आया हुआ था, लेकिन वर्जर हमेशा सोचता था कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे ये ठीक से संभल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड द वर्जर टेक अप आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द चर्च. चर्च को छोड़ने के बाद वर्जर ने क्या काम करना शुरू किया. तो आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द चर्च, चर्च को छोड़ने के बाद द वर्जर टुक अप द प्रोफेशन ऑफ द टॉबेकनिस्ट एंड न्यूज एजेंट. तो वर्जर टॉबेकनिस्ट बन गया और एक न्यूज एजेंट बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द वर्जर ट्रीट हिज गाउन. ये सभी जो गाउन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये एक तो क्वेश्चन लगभग आता ही है, हर 3-4 साल में ये काफ़ी बार ये रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो इसका आंसर है, द वर्जर ट्रीटेड हिज गाउन्स विथ मच केयर प्राइड एंड डिग्निटी. तो वही आंसर है कि वर्जर अपने गाउन्स को काफ़ी केयर से रखा करता था और काफ़ी सम्मान से अपने गाउन्स को ट्रीट किया करता था. ही वोर हिज गाउन्स विथ कंप्लीसेंस एज इट वॉज द डिग्निफाइड सिंबल ऑफ हिज ऑफिस. ही टुक पेन्स विथ इट, प्रेस्ड इट एंड आयरन्ड इट हिमसेल्फ. ही इवन प्रिजर्व्ड द ओल्ड वर्न आउट गाउन्स रैप्ड नीटली अप इन ब्राउन पेपर एंड केप्ट देम इन द बॉटम ड्रॉयर्स ऑफ द वार्डरोब इन हिज बेडरूम. तो ये पार्ट तो पूरा पिछले वाले आंसर से वही है सेम, कि अपने पुराने गाउन को वो ब्राउन पेपर से रैप करके बॉटम ड्रॉयर में अपने बेडरूम में रखा करता था. और उसके पहले लिखा है कि बस वो अपने गाउन्स को काफ़ी प्राइड से पहना करता था, क्योंकि वो डिग्निफाइड सिंबल है अपने ऑफिस का, और उसके अलावा वो अपने गाउन्स को खुद ही आयरन और प्रेस किया करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द डिस्कवरी दैट एस्टोनिश्ड द विसार. क्या ऐसी खोज थी जिसने विसार को बिल्कुल शॉक में लेके आ गया, या विसार को चौंकाने वाली क्या चीज़ थी. तो द डिस्कवरी दैट एस्टोनिश्ड द विसार वाज दैट द वर्जर कुड नाइदर रीड नॉर राइट. तो वो ये बात थी कि जब विसार को पता चला कि वर्जर ना ही लिख सकता है ना ही पढ़ सकता है, यानी कि वो अनपढ़ है, तब जो विसार है वो बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल चौंक गया. द विसार डिड नॉट नो दैट अल्बर्ट एडवर्ड वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट पर्सन. विसार नहीं जानता था कि अल्बर्ट एडवर्ड एक कम्प्लीटली इलिटरेट यानी कि अनपढ़ आदमी है. ही कुड इमेजिन ए वर्जर इन सेंट पीटर्स चर्च हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. तो वो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता था एक ऐसे वर्जर को सेंट पीटर चर्च में, जिसको ना लिखना आता है ना ही पढ़ना आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द वर्जर टोल्ड बाय द विसार इन द वेस्ट्री. वर्जर को क्या कहा गया था विसार के द्वारा वेस्ट्री में.
तो इन द वेस्ट्री हम लोग आगे भी मतलब समझ लिए हैं, जो चर्च में एक रूम होता है जिसमें मीटिंग्स होते हैं या फिर कुछ सामान रखे होते हैं चर्च के रिलेटेड, तो उसी को वेस्ट्री बोलते हैं। तो इन द वेस्ट्री द वर्जर वॉज टोल्ड दैट सेंट पीटर्स चर्च वॉज ए फेमस एंड डिग्निफाइड चर्च। वर्जर को बताया गया वेस्ट्री में, विसार ने ऐसे बताया कि जो सेंट पीटर चर्च है वो एक फेमस और बहुत ही रेप्यूटेड चर्च है। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग दैट बींग ए वर्जर ऑफ दिस चर्च एडवर्ड फोरमैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इस चर्च के वर्जर होने के बावजूद भी एडवर्ड फोरमैन अभी भी लिखना और पढ़ना नहीं जानता। ही वॉज टोल्ड दैट दे वुड गिव देम 3 months टाइम टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, एंड इफ ही वुड फेल टू डू दैट देन ही हैड टू लीव दिस द जॉब। तो उसको बताया गया कि तुम्हें मैं 3 महीने की मोहलत देता हूँ, और अगर तुम उसमें लिखना और पढ़ना ना सीखे तो तुम्हें इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट बिजनेस डिड अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन सेटअप एंड वेयर। तो अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन ने क्या बिजनेस शुरू किया और कहां पर किया? तो अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन सेटअप ए बिजनेस ऑफ टॉबेकनिस्ट एंड न्यूज एजेंट, एंड ही सेटअप इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन वेयर देयर वेयर नो टॉबेकनिस्ट, एंड विद इन 10 years ही हैड एक्वायर्ड नो लेस देन 10 shops एंड ही वॉज मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। तो अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन ने एक टॉबेकनिस्ट और न्यूज़ एजेंट का जॉब शुरू किया लंदन की स्ट्रीट्स में, जहां पर कहीं पे भी टॉबेको का शॉप नहीं था, तो वहां पर उसने ये शॉप शुरू किया। और 10 साल के अंदर अंदर वो इतना पैसा कमाने लगा, 10 दुकानें भी खोल ली और मुट्ठी में पैसा नाम आए उससे ज़्यादा पैसा कमाने लगा। ये एक फ्रेज़ है, हैंड ओवर मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको खुद को करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज द वर्जर। अब हम जानते हैं कुछ 4 marks के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब हाउ डिड अल्बर्ट एडवर्ड प्रॉस्पर इन हिज बिजनेस एज ए टॉबेकनिस्ट एंड न्यूज एजेंट। तो इन सब के आंसर मैं बता नहीं रहा, फालतू में वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा है नहीं, तो ये बस क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स पर भी वीडियोस ऑलरेडी 3 part बनाए हुए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द वर्जर हैड टू लूज हिज जॉब इन सेंट पीटर्स चर्च। और क्वेश्चन नंबर 3 वही वाला है जिसको मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने के लिए बताया था। तो ये 4 marks के लिए आपको प्रिपेयर करना है, इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज द वर्जर। इस आंसर पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ द वर्जर बताया हुआ है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द वर्जर हैड टू लूज हिज जॉब एट सेंट पीटर्स चर्च। तो ज़्यादातर जो भी ये 4 marks के बड़े आंसर हैं, इनमें आपको लगभग जो कैरेक्टर स्केच का जो मैंने आंसर दिया था उस वीडियो में जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बैंक मैनेजर इन मॉगम्स टेल सरप्राइज, व्हाई डिड इट सीम द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग ही हैड एवर हर्ड। नेक्स्ट एक और 4 marks के एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑन एनी 2 chapters में से कुछ लाइन दिए जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए पे लिया हुआ है, फोरमैन विल यू कम इन टू द वेस्ट्री फॉर ए मिनट, आई हैव समथिंग टू से टू यू। तो ये तो जो न्यू विजार है उसने वर्जर को कहा था, तब क्या हुआ और क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि 1 minute के लिए तुम आओ वेस्ट्री में, और उसके बाद में उसके क्या कहा गया, वही पुराने जो आंसर्स वहीं आपको लिखने हैं, बस थोड़े से समझ के क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। तो इसका आंसर वही होगा कि जो विसार था वो शॉक हो गया ये जान के कि जो वर्जर है वो ना ही लिखना जानता है ना ही पढ़ना जानता है, वो एक इलिटरेट पर्सन है और ऐसा आदमी ऐसे नामी दामी सेंट पीटर्स चर्च में रह नहीं सकता। तो इसकी वजह से उसने उसको 3 महीने की मोहलत दी कि तुम सीख लो। तो वही पूरा का पूरा आपको पार्ट एक्सप्लेन करके समझाना है, 4 marks का है तो थोड़ा बड़ा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न के कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप उनको देखें, और ये पिछले सालों में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करें।